हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा, आज की वीडियो में हम 8 फरवरी और 9 फरवरी दोनों दिन की करंट अफेयर्स कवर करेंगे। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो ये डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है हमारा प्यारा भारत। डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन है वो कौन सी है, तो जो जाइकोव डी वैक्सीन है वो कौन सी, किस पर आधारित है, तो ये डीएनए पर आधारित वैक्सीन है जाइकोव डी। और ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो जाइडस कैंडुला, जाइडस जो कैंडुला कंपनी है, जाइडस कैंडुला कंपनी है, उसके द्वारा क्या बनाई गई है, जाइकोव डी वैक्सीन बनाई गई है और ये डीएनए आधारित वैक्सीन है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि जो स्पुतनिक लाइट है, जो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है उसको किसने मंजूरी दे दी है, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन इसके आपातकाल के दौरान इसकी मंजूरी किसने दे दी है, तो भारत के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब बात आती है कि स्पुतनिक लाइट जो वैक्सीन है ये कोविड-19 की वैक्सीन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए ये इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है, ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है और इस वैक्सीन में क्या है, ये सिंगल डोज वैक्सीन हो गई और इसका जो निर्माण है ये किसने किया है, तो रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा, रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है स्पुतनिक लाइट का, ठीक है। और डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश हमारा प्यारा भारत बन गया है और डीएनए आधारित जो वैक्सीन है वो कौन सी है, जाइकोव डी डीएनए आधारित वैक्सीन है। और ये जो जाइकोव डी है ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है। कैसी है, ट्रिपल डोज वैक्सीन है ये जाइकोव डी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये कोवी कोवैक्सीन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जो कोवैक्सीन है इसके द्वारा, इसका किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो जो भारत बायोटेक कंपनी है, भारत बायोटेक जो कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, ये हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, जिसके द्वारा किसका निर्माण किया गया था, कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था। और ये जो कोवैक्सीन है ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये एक पेपर के अंदर पूछा गया था, तो जो कोवैक्सीन है ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है, ठीक है। कोवैक्सीन कैसी है, ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है और ये डबल डोज की है, डबल डोज है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन सी है, नेक्स्ट है कोविशील्ड। नेक्स्ट कौन सी वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन है और इस वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा, जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, जिसके हेड कौन है, आधार पुणे वाला इसके हेड है और इसके द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया गया था। और जो ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये एक एक्टिव एक्टिव वैक्सीन है, ठीक है, और कोविशील्ड भी डबल डोज वैक्सीन है, ठीक है। तो ये दोनों वैक्सीन कैसी हैं, डबल डोज हैं और स्पुतनिक जो है ये सिंगल डोज है और जो जाइकोव डी है ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है। इतनी भी आप याद रखिएगा। डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत पहला देश बन गया है और स्पुतनिक लाइट है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है, रूस के द्वारा निर्माण किया गया है और इसको मंजूर, भारत ने 9वीं जो वैक्सीन है इसको ये मंजूरी दी है, जो स्पुतनिक लाइट है ये 9वीं वैक्सीन है जिसको भारत ने मंजूरी दी है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो 100% वैक्सीनेशन वाला जिला है, 100% वैक्सीनेशन वाला जो जिला है वो कौन सा बना है, तो जिला तो बना है किन्नौर। किन्नौर जिला कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है किन्नौर जिला। और उसके बाद अगर देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेट है, जो फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है, तो फर्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, इसमें 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, जो दुनिया का सबसे तीसरा सबसे बड़ा, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। तो देखिएगा, दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का
सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर है? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये अहमदाबाद के अंदर है ये स्टेडियम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा है कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर है। और इस स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस स्टेडियम का नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो एफिशिएंसी है वो लगभग 1,30,000 के आसपास की, जो इसके अंदर की इसकी जो क्षमता है, ठीक है। और जो ये मोटेरा स्टेडियम है इसी में जो 1,000वां वनडे मैच है, इंडिया टीम का जो 1,000वां वनडे मैच है ये कौन से स्टेडियम में खेला गया? तो ये मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर खेला गया। और कौन सी टीम थी इसमें? तो वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया, इसमें इन दोनों टीमों के बीच ये मैच खेला गया। और 1,000वां वनडे मैच किसका था? ये इंडिया की टीम, भारतीय क्रिकेट टीम का था 1,000वां वनडे मैच, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो दुनिया का सेकंड नंबर पर बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा है? तो देखिएगा, सेकंड नंबर पर है मेलबर्न, जो मेलबर्न में है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ पर है मेलबर्न? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि दुनिया में सेकंड नंबर पर क्षमता के अकॉर्डिंग बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद जो थर्ड क्रिकेट स्टेडियम है उसकी नींव अभी हाल ही में रखी गई है, और उसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो सौरव गांगुली। और कौन थे राजस्थान के जो सीएम है? कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, इनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है दुनिया के तीसरे क्रिकेट स्टेडियम की, ठीक है। और कहाँ पर रखी गई है? तो जयपुर के अंदर रखी गई है, जयपुर राजस्थान में इसकी सीमा रखी, इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा, सौरव गांगुली और अशोक गहलोत के जी के द्वारा ये रखी गई है। और जो इसकी क्षमता है वो कितनी है? तो जो 75,000 इसकी क्या है? क्षमता है। 75,000 दर्शक इसके अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये सबसे बड़ा जो क्रिकेट हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा है? राउरकेला जो हॉकी स्टेडियम है किसके नाम पर? बिरसा मुंडा के स्टेडियम पर। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है कहाँ पर? राउरकेला उड़ीसा में। ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन कहाँ पर बन रहा है? तो जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो किसके नाम पर है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो बाईसिंह भूटिया स्टेडियम है, बाईसिंह भूटिया, ये इस स्टेडियम का ये कहाँ से है? तो बाईसिंह जो भूटिया स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो ये है नामची सिक्किम के अंदर। बाईसिंह भूटिया स्टेडियम कहाँ पर है? तो नामची तो बाईचिंग भूटिया स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? नामसी सिक्किम के अंदर कौन सा स्टेडियम है? बाईचिंग भूटिया स्टेडियम है। और ये कौन से खेल का है? तो जो फुटबॉल से खेल का है, कौन सा फुटबॉल स्टेडियम है? बाईचिंग भूटिया स्टेडियम नामसी सिक्किम के अंदर। और फुटबॉल के एकमात्र खिलाड़ी कौन से हैं जिनको कि हाल ही में कौन सा मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है? तो जो सुनील छेत्री हैं वो एकमात्र क्या है? फुटबॉलर हैं। और ये इनको क्या दिया गया है? एकमात्र बार खेल खिलाड़ी है ये फुटबॉल के जिनको कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, और उसमें से एक क्रिकेटर है मिताली राज, और जो एक फुटबॉलर है वो कौन है? सुनील छेत्री। ये दो है जो इस एक एक को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो एडीबी बैंक है उसने 2021 में रिकॉर्ड 4.6 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। जो एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने क्या किया है 2021 में भारत को
क्या दिया है, ऋण दिया है कितने का, 4.6 बिलियन डॉलर का, 4.6 बिलियन डॉलर का किसको ऋण दिया है, इसने भारत को ऋण दिया है, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1966 के अंदर स्थापना होती है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है एडीबी बैंक का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, मत्सुगु अत्सुकावा इसके हेड है एडीबी बैंक के। नेक्स्ट जो मनीला फिलीपींस है यहाँ पर और क्या है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ पर है, तो ये भी मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और जो ये नोबेल प्राइज रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है वो भी कहाँ पर दिए जाते हैं, तो ये भी मनीला फिलीपींस के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन कौन खरीदेगा, तो 420 क्या ब्रॉड गेज रेलवे वैगन, रेलवे वैगन खरीदेगा, ये कौन खरीदेगा, भारत से खरीदेगा, और भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन कौन खरीदेगा, तो ये खरीदेगा बांग्लादेश, भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा, ठीक है। और बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, टका यहाँ की मुद्रा है। 1971 के अंदर बांग्लादेश स्वतंत्र होता है, और जो यहाँ के कौन है, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता हैं, उनको कौन सी उपाधि दी गई है, तो बंगबंधु की उपाधि किन को दी गई है, शेख मुजीबुर रहमान को दी गई है, ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि जो एमपी है, एमपी गवर्नमेंट ने होसंग 3 नए जो शहर हैं उनका नाम बदलने की मंजूरी दे दी है, घोषणा की है, 3 नए शहरों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो वो कौन कौन से शहर हैं, एक तो शहर है होशंगाबाद, होशंगाबाद शहर जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो नर्मदापुरम शहर इसका नाम कर दिया, नर्मदापुरम कर दिया जाएगा होशंगाबाद का नाम बदल कर, ठीक है। उसके बाद है शिवपुरी, शिवपुरी का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा, तो जो शिवपुरी का नाम बदल कर दिया जाएगा कुंडेश्वर धाम, क्या कर दिया जाएगा, कुंडेश्वर धाम शिवपुरी का नाम बदल कर दिया जाएगा। और जो बाबई है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, माखन नगर, माखन नगर उसका नाम कर दिया जाएगा, बाबई का नाम चेंज करके माखन नगर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो एमपी किसके द्वारा किए गए हैं, ये एमपी के द्वारा किए गए हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं, और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और जो सुपर मोम या कोलर वाली, सुपर मोम या जो कोलर वाली थी ये क्या थी, ये एक बाघिन थी, और इसकी हाल ही में डेथ हो गई, ये कौन से वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, उसी में पाई गई थी सुपर मोमिया कोलर वाली, ठीक है। एमपी को क्या कहते हैं, हम टाइगर स्टेट कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा वन और वृक्ष क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो एमपी के अंदर है। और जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में जो सबसे ज्यादा वृद्धि है वो कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य में जो ऑनलाइन गेमिंग विनियमन लिए कानून बनेगा वो भी कहां पर बनेगा, जो ऑनलाइन जो गेमिंग है उस पर जो कानून बनेगा ये किस पर कहां पर बनेगा, एमपी के अंदर ही ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के लिए कानून बनाया जाएगा। और जो ई एफ आई आर जो पंजीकरण सेवा स्टार्ट हुई है ये कहां पर स्टार्ट हुई है, एमपी के अंदर स्टार्ट की गई है ई एफ आई आर पंजीकरण सेवा। और जो पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट है, पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहाँ पर लगाया जाएगा, तो पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट लगाया जाएगा
हबीबगंज मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। हबीबगंज मध्य प्रदेश में पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट लगाया जाएगा। और एक जिला एक शिल्प अभियान कहाँ से शुरू किया गया है, कहाँ पर शुरू हुआ, एमपी के अंदर एक जिला एक अभियान स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है। और जो संकल्प योजना है इसका संबंध किससे है, तो जो संकल्प योजना है इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का जो उमरिया जिला है उस वहां पर जो बुजुर्गों की सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से संकल्प योजना को स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर जो जीवन अमृत योजना है उसको भी स्टार्ट किया गया है। जो जीवन अमृत योजना है इसको किस लिए स्टार्ट किया गया है, तो जो इम्यूनिटी है या हमारी रक्षा सिस्टम है जो उसको बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या शुरू किया गया है, जीवन अमृत योजना शुरू की गई है, ठीक है। और जो ये यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और उसके बाद जो राला मंडल अभ्यारण्य है उसमें नाइट सफारी शुरू की गई है। कौन सा, तो जो राला मंडल जो अभ्यारण्य है उसमें क्या की गई है, नाइट सफारी इसके अंदर शुरू की गई है, ठीक है। नाइट सफारी शुरू की गई है राला मंडल जीव अभ्यारण्य में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अंडर 19 एशिया कप है, अंडर 19 जो एशिया कप है वो किसने जीता है, तो जो अंडर 19 एशिया कप है इसके विजेता कौन है, ये जो फाइनल मैच है ये किस किस के बीच खेला गया, तो ये खेला गया विजेता और उप विजेता कौन है, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया इसका फाइनल मैच। और इसके अंदर उप विजेता कौन रहा, इंग्लैंड, और इंडिया का विजेता कौन रहा, इंडिया, ठीक है। और जो अंडर 19 एशिया कप है इसमें अब की बार जो ये किसने की थी, इसके जो कप्तानी है वो कौन, कप्तान कौन थे, तो जो पांचवी बार इसने ये अंडर 19 एशिया कप जीता है इंडिया ने। और जो पहली बार जो जीता गया था वो उस टाइम पे कैप्टन कौन थे, तो उस टाइम पे कैप्टन थे मोहम्मद कैफ, इसके कैप्टन थे। और अब की बार जो इसके कैप्टन है वो कौन है, तो धूमी इसके कैप्टन है अब की बार। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो LIC प्लस पॉलिसी बाजार है उसके साथ समझौता किया गया है, LIC का समझौता हुआ है किसके साथ है? पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है किसने, LIC ने, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। और ये समझौता किसको लेकर हुआ है, तो जो जीवन बीमा के डिजिटल जो जीवन बीमा है, जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए किसका, डिजिटल वितरण के लिए क्या किया गया है, LIC के द्वारा पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। जो LIC है इसका, इसकी स्थापना कौन से एक्ट के तहत होती है, तो 1956 के एक्ट के तहत LIC की स्थापना होती है। और MR कुमार क्या है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, MR कुमार हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो ये LIC जो है ये अपना जो IPO है वो अभी जारी करेगी, जो बजट के अंदर कहा गया है। जो 2022 का AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है, 2022 का जो AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप इसमें विजेता कौन रही है, इसमें विजेता और उप विजेता कौन रहा है, तो इसके अंदर जो चीन है वो किसको हराकर, दक्षिण कोरिया को हराकर विजेता रहा है। दक्षिण कोरिया को हराया किसने, चीन ने, तो दक्षिण कोरिया इसके अंदर उप विजेता रहा है और चीन इसके अंदर विजेता रहा है 2022 के AFC महिला एशियाई कप के दौरान, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि जो साइबर बीमा की पेशकश के लिए जो ICICI है उसने ICICI लोम्बार्ड है इसने क्या किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है, प्लस एयरटेल पेमेंट बैंक
तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने आपस में समझौता किया है, आईसीआईसीआई जो लोम्बार्ड है इसने किसके साथ समझौता किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। और क्यों किया है कि जो साइबर बीमा की जो पेशकश है, साइबर बीमा जो है उसकी पेशकश करने के लिए, साइबर बीमे की पेशकश करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। किसने? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीआईआई है, सीआईआई के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है कि जो डीएक्स 2021 पुरस्कार कौन से बैंक को दिया गया है, तो ये बैंक को दिया गया कर्नाटक बैंक को डीएक्स 2021 जो पुरस्कार है ये दिया गया है कर्नाटक बैंक को। और जो कर्नाटक बैंक को अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले, 5-4 दिन पहले एक पुरस्कार और दिया गया था, तो वो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार भी किसको दिया गया था? उद्योग परिसंघ पुरस्कार ये किसको दिया गया था? तो ये भी कर्नाटक बैंक को ही दिया गया था, भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये कर्नाटक बैंक है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1924 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और कर्नाटक के सीएम कौन है? तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी, यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो जो उत्तराखंड है उसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बना दिया गया है, तो जो उत्तराखंड के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है, गुरमीत सिंह यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, तो जो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। और जो उत्तराखंड है इसमें लोकसभा की कितनी सीट है? 5 लोकसभा की सीट है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 3 राज्यसभा की है। और विधानसभा की कितनी है? 71 विधानसभा की सीट है यूके के मतलब उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और जो भारत का पहला लाइकेन पार्क है, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया है। और भारत वाटिका पहला जैव विविधता, भारत वाटिका जो है ये क्या है? पहला जैव विविधता पार्क है, और ये भी कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। वन चिकित्सा केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। और सुराई इको टूरिज्म जोन, जो सुराई इको टूरिज्म जोन है ये भी कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। और जो सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन है, जो सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन है वो कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा पामेटम है, सबसे बड़ा जो पामेटम उत्तर भारत का ये कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर हल्द्वानी, जो हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा पामेटम, पामेटम का मतलब होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा पाम के वृक्ष पाए जाते हैं उसको ही बोलते हैं पामेटम। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ पर स्थापित किया गया है? हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। और भारत की जो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है उसका उद्घाटन, ओपन एयर फर्नरी इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो अल्मोड़ा जिला है, जो अल्मोड़ा है जगह है कहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, वहां पर ओपन एयर है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी की शुरुआत की गई है। और यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो हरेला त्योहार कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। और फूलदेई त्योहार कहाँ पर? तो फूलदेई त्योहार भी उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। और उसके बाद है जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी भी यही कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और
ये कौन सा या कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो कार्बेट नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है ये। और जो भारत और इंग्लैंड के बीच में, जो भारत और इंग्लैंड के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है उसकी वहाँ वो कहाँ पर करने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड के अंदर करने की घोषणा की है ये। किसको, अजय वॉरियर जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच एक्सरसाइज होगी, इसको ये कहाँ आयोजित की जाएगी, उत्तराखंड के अंदर आयोजित की जाएगी ये घोषणा की गई है, ठीक है। और जो लड़कियों के लिए, जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, लड़कियों के लिए जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये शुरू किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अब बताती कर्नाटक की, तो यहाँ के सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई जी यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। और जो पर्याय महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया है, तो हाल ही में यहाँ पर मनाया गया है पर्याय महोत्सव। और मैसूर दशहरा का संबंध कहाँ से है, मैसूर दशहरा उत्सव का संबंध कहाँ से है, तो ये भी कर्नाटक से है, मैसूर दशहरा उत्सव का संबंध, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर है उनको पुलिस में आरक्षण कौन सी सरकार के द्वारा दिया गया है, तो जो कर्नाटक सरकार है उसको उसके द्वारा जो ट्रांसजेंडर है उनको पुलिस में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर बन रहा है, तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये हुबली के अंदर, हुबली कर्नाटक के अंदर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो अलमाटी बांध है, जो अलमाटी बांध है ये कौन सी नदी पर है, तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। और उसके बाद जो कृष्णराज सागर बांध है, कृष्णराज सागर बांध कौन सी नदी पर है, कृष्णराज सागर बांध ये कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध, और अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, और ये कहाँ पर है, ये दोनों कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है दोनों, अलमाटी और कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। और जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है उसमें टॉप किस कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अंदर टॉप पर है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो हाल ही में जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसको नियुक्त किया गया है, जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसको नियुक्त किया गया है, तो पहली महिला वाइस चांसलर किसको नियुक्त किया गया है, पहली महिला चांसलर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को, किसको, शांति श्री धूलीपुड़ी, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को ये जेएनयू की पहली महिला चांसलर नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में जो यूजीसी के जो हेड बनाए गए हैं, निदेशक बनाए गए हैं, कौन, एम जगदीश कुमार, यूजीसी के हेड बनाए गए हैं, प्रमुख बनाए गए हैं, कौन, एम जगदीश कुमार। और ये क्या थे, ये पहले जेएनयू के हेड थे, और किन, तो ये इनका, ये इनको बना दिया गया यूजीसी के अध्यक्ष, इनको बना दिया गया एम जगदीश कुमार को, और इनके स्थान पर कौन बनी है, पहली महिला कुलपति कौन बनी है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और ये वैसे कौन से नंबर की है, तो ये 13th नंबर की है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, लेकिन महिला में कौन सी है, तो ये पहली महिला है, ठीक है। और यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, और इसकी जो स्थापना होती है यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, इसकी स्थापना 1953 के अंदर हो जाती है, लेकिन जो इसका एक्ट है वो कब आता है, 1956 के अंदर इसका एक्ट आता है, ठीक है। और जो दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसकी पहली, दिल्ली स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है इसकी पहली महिला कुलपति किसको बनाया गया है, तो इसकी पहली महिला कुलपति बनाया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। और जो ये कर्णम मल्लेश्वरी है, इनका खेल कौन से संबंध, खेल से संबंध है, तो भारोत्तोलन, जो भारोत्तोलन खेल है उससे संबंध है कर्णम मल्लेश्वरी का। और जो सन 2000 के जो सिडनी ओलंपिक थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीतने का काम किया था, ये कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने का काम किया था। और जो दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी है उसकी पहली महिला कुलपति कौन है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो तेलंगाना है, उस तेलंगाना राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत टॉप प्रदर्शन किया है,
किसने किया है जो तेलंगाना के सात गांव हैं, देखिएगा, तेलंगाना के जो सात गांव हैं वे किस में टॉप आए हैं। तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट की गई है उसके तहत टॉप गांव हैं कितने, सात हैं, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत है, ठीक है। अब बात आती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना कब होती है, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या हैदराबाद इसकी कैपिटल है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो मेडिसिन फ्रॉम स्काई, कौन सी योजना है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये कौन सी कहाँ से स्टार्ट की गई है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो जो रोबोट के द्वारा जो मेडिसिन दवाइयाँ जो बांटी गई हैं वो कहाँ पर स्टार्ट की गई हैं, तेलंगाना के अंदर स्टार्ट की गई हैं। और ये किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है, ये जो अभियान है ये किसके साथ है, तो जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसके साथ मिलकर ये अभियान स्टार्ट किया गया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ठीक है। और जो तेलंगाना जो हाईकोर्ट है, तेलंगाना जो हाईकोर्ट है उसकी जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, तो तेलंगाना के हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो है हेमा कोहली, हेमा कोहली, यहाँ की हेमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की एकमात्र चीफ जस्टिस कौन है, भारत की पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस कौन है, हेमा कोहली है, ठीक है। और ये कहाँ कौन से हाई कोर्ट की है, तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट की है, हेमा कोहली, इनका नाम को आप याद रखना। उसके साथ है कि जो हैदराबाद पुलिस है उसके द्वारा, जो हैदराबाद पुलिस है उसके द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई है, कौन सी पहल है, साथ साथ अब और भी पास, ये पहल किस साथ साथ अब और भी पास, ये किसके द्वारा पहल स्टार्ट की गई है, हैदराबाद पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। और जो महिला है उनकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है हैदराबाद पुलिस के द्वारा, ठीक है। और जो तेलंगाना का जो राज्य, तेलंगाना राज्य का जो कारागार विभाग है उसके द्वारा कौन सा एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, माई नेशन स्टॉल जो अभियान है वो किसने लगाया है, तो माई नेशन स्टॉल अभियान ये तेलंगाना के जो कारागार विभाग है उसके द्वारा लगाया गया है, माई नेशन स्टॉल अभियान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है उसको लागू करने में टॉप कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है उसको लागू करने में टॉप पर है तेलंगाना। और जो ओडीएफ प्लस गांव है उनकी, ओडीएफ प्लस गांव की सूची में भी टॉप पर कौन है, तेलंगाना उनके अंदर टॉप पर है, ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। और जो डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन है वो यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है कि जो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे, क्रिस्टोस सार्थ जेतागिस, क्रिस्टोस सार्थ जेतागिस, तो ये कहाँ के, तो ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है। और जो ग्रीस है इसकी राजधानी क्या है, तो एथेंस इसकी राजधानी है। और यहाँ की जो करंसी है वो क्या है, तो यूरो यहाँ की करंसी है, ठीक है। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस, और यूरो यहाँ की करंसी है। जो 1896 में जो ये इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है IOC, इसके इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका भी IOA का जो हेडक्वार्टर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, ये 1896 में जिसकी स्थापना हुई थी, एथेंस ग्रीस के अंदर है। और सबसे पहले जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर, एथेंस ग्रीस में ही सबसे पहले ओलंपिक खेले गए थे, ठीक है, स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओडिशा है उसके, उसने 4,000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है, ओडिशा के अंदर क्या करने की घोषणा की गई है, तो 4,000 दूरसंचार टावर, टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाने की, दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा कौन सी सरकार ने की है, तो ओडिशा सरकार के द्वारा 4,000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की गई है। अब बात आती है ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो ओडिशा है यहाँ पर कौन सा, ये खाद्य सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है, तो जो
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, WFP है, उसके साथ है ओडिशा सरकार का समझौता किया गया है, किसके लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए समझौता किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा WFP के साथ, ठीक है। और जो सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, उसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है, तो ओडिशा के अंदर कटक ओडिशा में ही ये सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है प्रलय का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है इसके अंदर टॉप कौन है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है इसके अंदर टॉप कौन है, तो ओडिशा इसके अंदर टॉप है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो उत्कल दिवस है ये कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, और 1 अप्रैल 1936 को किसकी स्थापना होती है, ओडिशा की स्थापना होती है, और इसी कारण 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। और जो उड़ीसा है यहाँ पर कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो नुआखाई उत्सव और रज पर्व, नुआखाई उत्सव रज पर्व, और जो धनु यात्रा पर्व, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं उड़ीसा के अंदर, ये मनाए जाते हैं नुआखाई रज पर्व धनु यात्रा पर्व, यह उड़ीसा के अंदर मनाए जाते हैं। जो गरिमा योजना है ये इसका संबंध कहाँ से है, तो गरिमा योजना भी कहाँ पर स्टार्ट की गई है, उड़ीसा के अंदर स्टार्ट की गई है गरिमा योजना। और जो ड्रिंक फ्रॉम टैप है, ये जो ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो ये मिशन भी उड़ीसा के अंदर स्टार्ट किया गया है। अडॉप्टर एन एनिमल स्कीम ये कहाँ से स्टार्ट की गई है, तो जो अडॉप्टर एनिमल स्कीम है ये कहाँ से स्टार्ट की गई है, तो जो ये नंदन कानन चिड़ियाघर है कहाँ पर, ओडिशा के अंदर जो नंदन कानन चिड़ियाघर है उससे क्या शुरू की गई है, एडॉप्ट एन एनिमल जो पहल है ये नंदन कानन चिड़ियाघर ओडिशा से स्टार्ट की गई है। और जो भीतरकनिका नेशनल पार्क वो कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है भीतरकनिका नेशनल पार्क। जो आपदा प्रबंधन है उसको अनिवार्य विषय किसने घोषित किया है, तो आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किसने किया है, ओडिशा सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो पाइका विद्रोह है उसको, पाइका विद्रोह कब हुआ था और कहाँ से रिलेटेड है, तो पाइका विद्रोह है 1820 के अंदर हुआ था, पाइका विद्रोह 1820 में हुआ था, और ये किससे रिलेटेड है, ओडिशा से रिलेटेड है। और पाइका विद्रोह के जो ओडिशा सरकार है इसने क्या किया था, केंद्र सरकार से ये आग्रह किया था कि पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला विद्रोह घोषित किया जाए, लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला विद्रोह है हम किसको मानते हैं, जो 1857 की क्रांति है उसको स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है 1857 की क्रांति को, लेकिन जो ओडिशा सरकार है उसने आवाज मांग उठाई कि जो पाइका विद्रोह है उसको स्वतंत्रता का सबसे पहला युद्ध घोषित किया जाए, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने इसको मानने से, ऐसा करने से मना कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो उड़ीसा है यहाँ पर जो मंदिर है वो कौन कौन से हैं, तो जो लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है लिंगराज मंदिर। और उसके बाद कौन कौन, जगन्नाथ मंदिर है ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये कहाँ है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, इसको क्या हुआ, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो जो गंग वंश है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। कौन सा देव शासक था इसका, नरसिंह देव फर्स्ट जो था उसके द्वारा इसका निर्माण, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाता है। और ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो सूर्य मंदिर है ये कोणार्क का मंदिर, और इस ब्लैक पैगोडा भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा, 100% सौर ऊर्जा से कौन सा मंदिर है जो चल रहा है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर चल रहा है 100% सौर ऊर्जा से, ठीक है। इसको ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव
बंधुत्व दिवस मनाया गया, और ये कब मनाया गया? तो जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है, ये कब मनाया गया? 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया, 4 दिसंबर नहीं सॉरी 4 फरवरी को मनाया गया है, 4 फरवरी को मनाया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब से शुरू, ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब से मनाना शुरू होता है? तो जो 2021 से इसकी शुरुआत होती है, मतलब 2021 से स्टार्ट होता है, और अब की बार ये कौन सा मनाया गया है, तो 2022 में ये सेकंड नंबर का मनाया गया, सेकंड एडिशन था इसका अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी धार्मिक समुदाय होते हैं, जैसे कि ये हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई जो भी जितने भी धर्म है, इन सभी के संवादों को बढ़ावा देना ही क्या है, इनके बीच में मेल जोल को बढ़ावा देना ही मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य है, ठीक है। और ये जो क्या हुआ था कि जो 4 फरवरी 2019 की का दिन था, इसके अंदर जो ईसाई धर्म के जो प्रमुख थे कौन थे, पोप फ्रांसिसी, पोप फ्रांसिस, और जो इस्लाम धर्म था उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, अल तैयब, अल तैयब, ये क्या थे, ये इस्लाम धर्म के प्रमुख थे और ये ईसाई धर्म के प्रमुख थे। इन दोनों के बीच साइन हुए किसको लेकर, तो बंधुत्व को लेकर, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इनके इन दोनों के बीच 4 फरवरी 2019 को साइन होते हैं बंधुत्व को लेकर। और इसी इसी कारण जो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि 4 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। अब बात आती कैंसर की, तो कोशिकाओं की जो अनियमित वृद्धि होती है उसके कारण क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। और कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी, हम कैंसर की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो राष्ट्रीय स्टार्टअप डे है ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो अब की बार 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे पहली बार मनाया गया है। और हर साल किस वर्ष मनाया, किस दिन मनाया जाएगा, तो हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाएगा, नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। और जो ये वीर बाल दिवस है ये कब मनाया जाएगा, तो इसकी अभी घोषणा की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हर साल 26 जनवरी को, मतलब 2023 में, 2022 में पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो रथ सप्तमी त्योहार है ये कब मनाया गया है, तो जो रथ सप्तमी त्योहार है, रथ सप्तमी त्योहार ये कब मनाया गया है, तो 7 फरवरी को क्या मनाया गया है, रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया है, क्योंकि जो माघ शुक्ल सप्तमी के दिन ये मनाया गया है। कब मनाया गया है, अब माघ का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष है, तो माघ शुक्ल की सप्तमी को कौन सा त्योहार मनाया गया है, रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है, ठीक है। और ये जो देखिएगा ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है रथ सप्तमी त्योहार। और ये किसका प्रतीक है, तो ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, कौन सा ऋतु परिवर्तन का प्रतीक कौन सा है, तो ये जो रथ सप्तमी त्योहार है ये ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, ठीक है। और इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको हम सूर्य जयंती भी कहते हैं, ये क्योंकि ये सूर्य को समर्पित है इसलिए हम इसको सूर्य जयंती भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो ब्लैक पैगोडा जो मंदिर थे वो कहाँ, किसको बोलते हैं हम ब्लैक पैगोडा, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ये कहाँ पर है, तो ब्लैक पैगोडा, पैगोडा ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के अंदर है। लेकिन जो सप्त पैगोडा है ये किसको कहा जाता है, सप्त पैगोडा किसको कहा जाता है, सप्त पैगोडा कहते हैं हम रथ मंदिर, रथ मंदिर है जो कहाँ पर है, ये 8 रथ मंदिर हैं और कहाँ पर है, ये महाबलीश्वरम तमिलनाडु के अंदर है, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है ये रथ मंदिर, और इनको हम क्या कहते हैं, सप्त पैगोडा कहते हैं। लेकिन इनमें, इन रथ मंदिरों में सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है वो कौन सा है, तो जो ये धर्मराज युधिष्ठिर का जो मंदिर है सबसे बड़ा है रथ मंदिर, इसमें देखिएगा जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है, तो जो छोटा है वो किसका है, द्रौपदी का सबसे छोटा रथ मंदिर है, और युधिष्ठिर का जो मंदिर है ये सबसे बड़ा रथ मंदिर है, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सप्त पैगोडा बोलते हैं। और जो ब्लैक पैगोडा है ये हम कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है उसको हम ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, ठीक है। और जो ये रथ मंदिर है इनका निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था, जो पल्लव वंश थे, पल्लव शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लव शासकों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस है 2022, ये किसका कप है? तो इसने किसको जीत लिया है, किसने इसको जीत लिया है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, नेशंस 2022, इसका हाल ही में आयोजन किया गया है और ये एक फुटबॉल का कप है, फुटबॉल गेम है जो उसका कप है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, और इसका विजेता कौन है? तो इसका विजेता है सेनेगल, सेनेगल इसका विजेता है, ठीक है। और इसने किसको हराकर, तो जो मिश्र है इसका उपविजेता कौन है, उपविजेता है मिश्र, तो जो ये सेनेगल है उसने मिश्र को हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब अपने नाम में कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल से रिलेटेड देखते हैं, जो डूरंड कप है इसका संबंध किससे है, तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से, और इसका विजेता कौन है, तो इटली इसका विजेता है, और इसका उपविजेता कौन है, तो इंग्लैंड इसका डूरंड कप का उपविजेता है, ठीक है। उसके बाद है कि यूरो कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से संबंध है यूरो कप का, और यूरो कप को किसने जीता, डूरंड कप फुटबॉल का है और इसको किसने जीता है, तो एफसी गोवा के द्वारा ये जीता है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, कोलकाता के अंदर इसका आयोजन किया गया था, और एफसी फुटबॉल क्लब गोवा ने ये जीता है, और जो कोलकाता है उसका फेमस क्लब कौन सा है, फुटबॉल क्लब कौन सा है, मोहन बागान कोलकाता का फेमस फुटबॉल क्लब है, और डूरंड कप किसने जीता है, एफसी गोवा ने जीता है, आयोजन कहाँ पर, कोलकाता के अंदर, ठीक है। और यूरो कप है ये किसके द्वारा जीता गया है, तो यूरो कप जीता गया है इटली के द्वारा, इटली के द्वारा यूरो कप जीता गया और इंग्लैंड इसके अंदर उपविजेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, और इसको किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है फुटबॉल का कोपा अमेरिका कप, और इसके अंदर जो उपविजेता रहा है, तो उपविजेता कौन है, ब्राजील इसके अंदर उपविजेता है। बात आती है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनल मेसी हैं फुटबॉल खिलाड़ी, और इनको क्या मिला है, बैलन डी ओर अवार्ड जो है वो किसको मिला है, लियोनल मेसी को, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं लियोनल डी मेसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ICRISAT है इसके, ICRISAT ये जो है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और इसके अब हाल ही में क्या हुआ है, तो इसके 50 साल पूरे हो गए हैं, 50 साल पूरे होने से इसका जो है स्वर्ण जयंती समारोह इसका मनाया जा रहा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो पौष्टिक फसलें हैं, इसने 6 पौष्टिक फसलों को क्या घोषित किया है, तो स्मार्ट फूड घोषित किया है, 6 फसलों को स्मार्ट फूड घोषित किया है, जो 6 पौष्टिक फसलें हैं, पौष्टिक फसलें हैं उनको क्या घोषित किया है, स्मार्ट फूड कहा है, और ये 6 फसलें कौन कौन सी हैं, तो बाजरा रागी हो गया, बाजरा रागी चारा मूंगफली अरहर और जो काबुली चना है, ये स्मार्ट फूड के अंदर 6 पौष्टिक फसलें ऐड की गई हैं, ठीक है। और जो बाजरा है, बाजरे का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, बाजरे का इंटरनेशनल ईयर है, वो कौन सा घोषित किया गया है, तो 2023 जो है ये बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और जो ये ICRISAT है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के बाहर कहाँ पर है, तो नैरोबी केन्या के अंदर भी इसका हेडक्वार्टर, इसकी ब्रांच है, और बामाको माली के अंदर भी, माली की राजधानी क्या है बामाको, वहां पर भी इसकी ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो काजरी है, काजरी का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, काजरी की स्थापना कहाँ पर की गई है, जो ये क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, इसकी ये कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है काजरी। और नीरी कहाँ पर है, तो नीरी किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है नीरी, और नीरी कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है नीरी, ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, तो लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर। और जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो शिमला के अंदर है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष योजना है,
देखिएगा, दो योजना है, एक तो है इंद्रधनुष योजना, जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष मिशन है, ये किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है जो बैंकिंग रिफॉर्म है, बैंकिंग सुधार है, उसके लिए शुरू किया गया है मिशन जो इंद्रधनुष योजना है, ये बैंकिंग सुधार के लिए स्टार्ट की गई है। और जो मिशन इंद्रधनुष है, ये जो योजना है, ये किसके लिए स्टार्ट की गई है? तो जो टीकाकरण है उसके लिए स्टार्ट की गई है मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है। और ये कब स्टार्ट की गई थी? तो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए। और जो 25 दिसंबर है, इसको हम क्या मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और इस दिन किसका जन्म दिवस होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो ये गहन ये मिशन इंद्रधनुष है, इसका ही वर्जन स्टार्ट किया गया है हाल ही में। तो गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0, गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये लॉन्च किया गया है। कब? तो 7 फेब 2022 को ये गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च, कितने जिलों में लॉन्च किया गया है? तो 416 जिलों में ये लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा ये 416 जिलों में 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो आयुष्मान भारत योजना है, ये कब से स्टार्ट की गई थी? तो आयुष्मान भारत योजना ये कहाँ से स्टार्ट रहा थी? झारखंड से इसका ये शुभारंभ किया गया था, और 23 सितंबर 2018 को ये स्टार्ट की गई थी। और जो भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, वो कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना है। और इसके तहत जो 5 लाख की जो स्वास्थ्य बीमा है, वो प्रत्येक परिवार को दिया जाता है, ठीक है। और जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से इसका शुभारंभ किया गया था। और जो चिरंजीवी योजना है, इसकी स्टार्टिंग कब होती है? तो 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है चिरंजीवी योजना। और राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? तो राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी योजना, और राजस्थान से रिलेटेड है। और इसके अंदर भी 5 लाख का बीमा दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है 5 लाख का, और निशुल्क स्वास्थ्य बीमा है ये, ठीक है। और नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, ये कब मनाया जाता है? तो जो जिस दिन नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, उसी दिन मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, 16 जनवरी को मनाया जाता है। और जो नेशनल स्टार्टअप डे है, वो भी 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप वीक है, ये कब से कब तक मनाया गया है? तो स्टार्टअप वीक है ये बनाया गया है 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप वीक बनाया गया है। और हाल ही में जो ये सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है, ये कौन सी बन गई है? स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है, ये हाल ही में स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है पहली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट है कि जो सवर कोकिला लता मंगेशकर जी हैं, उनका निधन हो गया है। उनके निधन से जो है हर देशवासी की आंखें नम हो गई हैं। और क्या कहते हैं, ये सुबह 8:12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, और 7:16 बजे वे क्या हो गई? शाम 7:16 पर वे पंच तत्व में विलीन हो गई, ठीक है। और इनका जो अंतिम संस्कार है, वो कहाँ पर किया गया? सूर साम्राज्ञी का जो राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में इनका अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया है? तो इनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में इनका अंतिम संस्कार किया गया है, ठीक है। और इनके अंतिम संस्कार में पीएम मोदी जी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, ठीक है। और करीब 30 दिनों तक ये अस्पताल में रही हैं। 36 प्लस भाषाओं में इन्होंने 25,000+ गाने इन्होंने गाए हैं, 25,000+ गाने इन्होंने गा दिए हैं, और 36 से प्लस भाषाओं में इन्होंने गाए हैं। लता द्वारा जो जितने भी गीत गाए गए हैं, वो भारतीय संस्कारों में जीने वाले हर आदमी के लिए उनकी धड़कन बन गई, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो लता मंगेशकर जी हैं, उनका लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में, जो लंदन का कौन सा हॉल था? रॉयल अल्बर्ट हॉल था, उसमें
रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली जो पहली भारतीय कलाकार हैं वो कौन है? तो ये स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हैं, रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय। ठीक है, 1974 में उन्होंने ये इसको चुना था और वहां पर उन्होंने ये अपनी प्रस्तुति दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो लता है उन्होंने बहुत सारे सम्मानों की इन पर बारिश हुई है, कौन कौन से हैं देखिएगा। तो जो 1958, 1962, 1965, 1958, उसके बाद 62, 65, 69, 93, 94, इसके अंदर इन्होंने कौन से अवार्ड जीते हैं? तो फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं उन्होंने 1958, 62, 65, 69, 93, 94 के अंदर उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। और उसके बाद 1972 में उन्होंने जीता है, 1972, 75 और 90 के अंदर उन्होंने कौन कौन से तो राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल प्राइज जो है वो कब जीते हैं? 1972, 75 और 90 के अंदर। और जो सरकार पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार है वो उन्होंने कब कब जीते हैं? तो 1966 और 1967 में उन्हें कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो जो महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार है उन वे कहाँ मिले हैं उनको? 1966 और 67 में मिले हैं। पद्म भूषण उनको कब मिला है? 1969 के अंदर उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है लता मंगेशकर जी को। और दुनिया में सबसे अधिक जो गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड है वो उन्होंने कब बनाया था? तो 1974 के अंदर उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, सबसे अधिक गाने गाने का रिकॉर्ड बनाया था 1974 में। और 1993 में उनको मिला था फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कब मिला था उनको? 1993 में मिला था फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और जो स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये कब मिला था? 1996 में मिला था स्क्रीन फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1996 में मिला। और फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट कब मिला था? तो ये 1993 में। और स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 1996 के अंदर। जो राजीव गांधी पुरस्कार है उसको कब मिला? तो 1997 के अंदर उसको राजीव गांधी रत्न पुरस्कार मिला। और एनटीआर पुरस्कार उसको कब मिला? तो 1999 के अंदर एनटीआर पुरस्कार मिला, एनटीआर पुरस्कार। और जो पद्म विभूषण है वो कब मिला उसको? पद्म भूषण 1969 में। और जो पद्म विभूषण है वो 1999 के अंदर उसको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और जी सिने का लाइफ टाइम जो अवार्ड है, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो कब मिला? तो 1999 के अंदर उसको क्या दिया गया? पद्म विभूषण भी दिया गया और जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया 1999 के अंदर। और 2000 में उसको कौन सा अवार्ड मिला? आईआईएएफ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। जो आईआईएएफ का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये कब मिला उसको? 2000 के अंदर आईआईएएफ का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। और 2001 के अंदर क्या मिला? जो स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो उसको कब मिला? 2001 के अंदर स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और 2001 के अंदर ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी 2001 के अंदर ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न उसको कब मिला? 2001 के अंदर। और पद्म विभूषण कब मिला? 1999 में। और पद्म भूषण कब मिला? 1969 के अंदर उसको पद्म विभूषण मिला। और 2001 के अंदर ही उसको क्या मिला? नूरजहां पुरस्कार मिला। और 2001 के अंदर ही उसको महाराष्ट्र भूषण भी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो ये लता मंगेशकर जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 1929 के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ पर? इंदौर मुंबई के अंदर 1929 में इनका जन्म होता है। और 2022 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? निधन हो जाता है, मुंबई के अंदर। ठीक है, 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनको मेलोडी क्वीन भी कहा जाता है और नाइटेंगल की उपाधि भी इनको दी गई है। और उसके बाद देखिएगा कि जो इन्होंने पहला गाना गाया था वो कब गाया था? 13 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला गाना गाया था और ये अविवाहित थी, इनका विवाह नहीं हुआ था। और जो लता मंगेशकर हैं उन्होंने 1963 के अंदर एक गाना गाया था पंडित नेहरू के सामने, नेहरू जी के सामने, ऐ मेरे वतन के लोगों, 1963 के अंदर उन्होंने ये गाना गाया था। और जो लता मंगेशकर जी हैं उनका एक संगीत यात्रा उनकी पुस्तक भी है। पुस्तक कौन सी है? एक संगीत यात्रा उनकी पुस्तक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखी गई है लता मंगेशकर जी की पुस्तक एक संगीत यात्रा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि बहुत सारी पुस्तकें अभी लिखी गई थी। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है? तो सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है।
और उसके बाद जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? युवराज सिंह की है। हाउ वी वोन द मेक्सिको 86 वर्ल्ड कप, ये किसकी है? मैरीडोना की है, ठीक है। और जो ये इसके 2028 के जो ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर, वहां पर कौन से गेम ऐड किए जाएंगे? तो स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और जो खेल चढ़ाई है, ये 2028 के ओलंपिक के अंदर ऐड किए जाएंगे। और आईओसी जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, उसके हेड कौन है? थॉमस बॉक इसके हेड हैं। 1894 में मिलुशा ने स्विट्जरलैंड के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो इंडिया है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है और इंग्लैंड को 4 विकेट से उसने हरा दिया है। इंडिया ने कौन कौन से सन में जीता है? तो सन 2000 में उसने जीता है, और कब? 2008 के अंदर, 2008 में, और 2012 में, और 2018 में, और अब 2022 में उसने 5वीं बार इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।